हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपकी गुजारिश पे आ चुका है आपका भाई सानू सिंह एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके। सो कुछ टाइम से एक गाने के लिए काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैक 2 AM by MC Soda। और लोगों ने बोला ही इज द गाय फ्रॉम कोलकाता, और मैं भी कोलकाता से हूं तो इतना तो बनता है कि हम भाई रिएक्शन करें भाई पे इस गाने के लिए। यार हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बनी हुई है, बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा गाना है, आप रिएक्शन करो, बहुत अच्छा गाना है, वायरल हो रहा है, 5 लाख व्यूज 6 लाख व्यूज हो रहे हैं, सो आप उस पर रिएक्शन करो। सो हियर आई एम विद द रिएक्शन। तो अब चलो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन फॉर 2 AM by MC Soda। सो ऑल द MC Soda फैंस, टू All my people out there watching this reaction, अगर आप लोगों को पसंद है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करना है। So let's start it, baby. Boom. Kalyan LED presents. Yeah. MC Soda. मैं शुरुआत करूं उसके पहले बता देता हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं सुन रहा हूं MC Soda को। देख लेते हैं, लोग बोल रहे थे अराउंड 5 लाख व्यूज हो चुके हैं। ओके, 6 लाख पार है, बंदे के 12,000 सब्सक्राइबर है, 2 AM 12,000 सब्सक्राइबर है और 6 लाख व्यूज, काफी ज्यादा, मतलब लिटरली वायरल हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। दैट मींस जब इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है तो लोगों को ये पसंद आ रहा है। सो 2 AM बाई MC Soda म्यूजिक वीडियो इज आउट। ओके, दिस सॉन्ग इज बेसिकली अबाउट ए फीलिंग विच वी ऑल फील बट डजंट टेल एनीवन। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एरा, अ न्यू बिगिनिंग, please do subscribe, like and share. okay, so he gonna talk about means some feeling. okay, अब title का मतलब समझ आया। वो 2 AM रात के 2 बजे जब तुम दुनिया के मोह माया से दूर खुद में अंदर होते हो, खुद सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है जो खुद तक ही रखते हो, लोगों को नहीं बोलते। so this track is all about that. तो चलो चेक करते, चलो It's 2 AM. तू है सितारा मेरा, तू है सवेरा मेरा, दिल का किनारा मेरा, तेरे ही हम है। तू है सितारा मेरा, तू है सवेरा मेरा, दिल का किनारा मेरा, तेरे ही हम है। तू है सितारा मेरा, तू है सवेरा मेरा, दिल का किनारा मेरा, तेरे ही हम है। तू है सितारा मेरा, तू है सवेरा मेरा, दिल का किनारा मेरा। कल रात 2 बजे चल रहा था ख्वाबों में, तू मेरे पास थी मेरे साथ में, तेरी वो हंसता चेहरा देखा मैं पहली बार, दिल से की थी बातें, दिल है गवार। चल रहा था पूरी रात तेरे साथ, तेरे आँखों का वो काजल मुझे करती है आबाद, बेमिसाल था वो। सेम ये लोकेशन मुझे देखा देखा लग रहा है ब्रो, ये लोकेशन मुझे देखा देखा लग रहा है। मैंने और किसी एक गाने पे तो रिएक्शन किया है जो सेम रिएक्शन, सेम मीन्स सेम जगह था, सेम लोकेशन था। किसका गाना था यार, आकाश का गाना था या फिर आशीष का गाना था, एक रैपस्टार का शायद था, एक रैपस्टार का गाना था, सेम लोकेशन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार वापस चेक करते हैं, ऐसा ही सेम लोकेशन था, बसों के ऊपर जैसे था वो। साथ तेरे आँखों का वो काजल मुझे करती है आबाद, बेमिसाल था वो वक्त जब भी तू मेरे साथ, मखमली तेरी नमी नहीं रखती कोई कमी। या मत होश हूँ मैं अब, मुझे ले जा इसी वक्त, तूने छोड़ा मुझे जब दिल टूटा उसी वक्त, ना है कोई कमी तेरे मेरे प्यार में, शायद इसलिए वो ड्रीम्स देखूं मैं रात में। रोता है ये दिल, सबको दिखता है मैं फिर, फिर भी पकड़ू तेरा हाथ, मुझे ले जा तेरे साथ। हाँ तू एक गुमान, कभी लौटा ही नहीं, बस बोलू एक बात, तू सुन तो सही। मोर अबाउट मीन्स अभी तक जितना ट्रैक हमने सुना 1 मिनट 40 सेकेंड, मोर देन टेक्निकलिटीज ही इज बिलीविंग इन एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस, दिस ट्रैक इज मोर अबाउट इमोशंस, हिज इनर इमोशंस। सो उसको टेक्निकलिटीज के बेसिस पे जज मत करो, इसे इमोशंस के बेसिस पे जज करो, और अभी तक तो काफी सही जा रहा है। तो सुन तो सही, दिल ज़्यादा पसंद मेरा मेरा कभी
छेले मैं तो हूँ तेरा, दिल मेरा उससे ही जुड़ा, आके देखे ले कैसा हूँ खड़ा, तेरी हर खुशी था मेरा कभी पूछ ले मैं तो कभी तो पीछा कर कभी तो याद कर, तेरी वजह से मैं कूदा तालाब पर, आखिर ये हंसता चेहरा साल बीता देखा नहीं, महसूस करूँ तुझे ये मौका मिला नहीं, हाथ में कलम पकड़ू लिखू सब दर्द से आंखें। बस यही कुछ कुछ चीजें हैं पर ऐसा फील हो रहा है कि राइमिंग थोड़ी नॉर्मल सी है, मतलब एवरेज राइमिंग है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसको अगर साइड कर दे तो मुझे मेलोडीज काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जिस हिसाब से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ज्यादा पसंद आ रहा है, बट राइमिंग थोड़ी थोड़ी वीक लग रही है, और मींस वो एक फिनिशिंग, जब मतलब राइमिंग थोड़ी एवरेज हो जाती है तो वो फिनिशिंग टच कहीं ना कहीं वो मिसिंग फैक्टर वो हो जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। ये मौका मिला नहीं, हाथ में कलम पकड़ू लिखू सब दर्द से, आंखें है बंद फिर भी देखू तुझे पास से, बसर में ये दिल सोचे तुझे पूरी रात में, एक तरफा प्यार था बस दर्द है इसी बात में, बस दर्द है इसी बात में, क्या मैं करूँ अब मुझे तो पता नहीं, दुआ में रखू तुझे दिल भी खफा नहीं, प्यार किया था जब मुझे तू मिला नहीं, आज भी चाहूँ तुझे जैसे कुछ हुआ नहीं, कैनवस में लिखू पूरी रात बात तेरे लिए, जब तक है जान सिर्फ लिखू हाँ तेरे लिए, तू दगा पास तो क्या फिर भी मेरे सपनों में, जगह जो बचा वो भी रखा मैं तेरे लिए। यही मैं बोल रहा था, अगर तुम टेक्निकलिटीज को साइड करके अगर इमोशन के ऊपर जज करो ना, तुम्हें ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बहुत ज्यादा, जो मुझे ऑलरेडी पसंद आ रहा है, बिकॉज मैं भाई के जो शब्द है व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस, वो क्या बताना चाह रहा है अपने गानों से, मैं वो समझ रहा हूँ और मुझे भाई अच्छा लग रहा है लिटरली। वो भी रखा मैं तेरे लिए दिल मेरा झूरा, आके देखे ले कैसा हूँ खड़ा, तेरी हर खुशी था मेरा कभी पूछ ले मैं तो हूँ तेरा, दिल मेरा उससे ही झूरा, आके देखे ले कैसा हूँ खड़ा, तेरी हर खुशी था मेरा कभी पूछ ले मैं तो हूँ तेरा। सुनते सुनते पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में वो फील आ रहा है कि अगर इसको मिक्स करे विद अ ट्रैक, तुमने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, देयर वाज अ बैंड कॉल्ड द लोकल ट्रेन, बैंगलोर बेस्ड बैंड है, उसका एक गाना है छूलो छूलो जो मुझे तुम कभी, उसके साथ इसका कोरस अगर मिक्स करके कुछ तो एक रिमिक्स बने ना, काफी अच्छा साउंड करेगा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, मुझे जस्ट हिट किया दिमाग में कि क्या आप दोनों को अगर एक साथ रिमिक्स करके कुछ बनाओ तो काफी सही साउंड कर सकता है। सो, अगर कोई है यहाँ पे प्रोड्यूसर जो ऐसा करता है वीडियो अगर देख रहे तो एक बार ट्राई करके देखियो, अच्छा साउंड उसका निकल सकता है, उसका आउटपुट अच्छा आ सकता है। मैं तो हूँ तेरा बंदा। अच्छा ट्रैक्टर ब्रो, जैसा टाइटल है 2 AM उसके साथ जस्टिस कर रहा था, बिकॉज रात का समय होता है जब तुम मतलब टेंशन फ्री रहते हो, अपनी जिंदगी को लेकर सोचते हो क्या करना है, किसको क्या बोलना है, जिससे प्यार करते हो उसके बारे में सोचते हो, तो ये सारी ख्यालें आती है जो तुम खुद तक रख देते हो, तो गाने में वही चीजें सारी थी, और मुझे यार लिटरली पसंद आया। लोगों को बहुत लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे यार बार्स वीक था, ये वीक था, लेकिन मुझे अगर फ्रेंकली बोलूं मुझे गाना अच्छा लगा, एक लूप मटेरियल लगा जिसपे तुम लगातार ये गाना सुन सकते हो, और यार वो वाली चीजें तो दिमाग में आए, लास्ट में जब कोरस बज रहा था मुझे एक प्रतीक कुक्कड़ वाली, क्या नाम था यार,
आर्टिस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रतीक कुक्कड़ या फिर समथिंग कुछ तो है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, प्रतीक कुक्कड़ शायद, खो गए तो अरे मुझे नहीं याद आ रहा है ब्रो, फक दैट शिट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, याद नहीं आ रहा है, उसकी तरह मुझे वाइब वो फील हो रही थी. सो दिस वॉज अ गुड ट्रैक ब्रो, माई गाय फ्रॉम कोलकाता मेकिंग सम बिग मूव्स, बिकॉज 6 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ दिनों में जैसे ये गाना चल रहा है मिलियन मारने में देर नहीं है मेरे भाई, लिख के ले लो कि हार्डली 2 हफ्ते के अंदर ये गाना मिलियन मार लेगा, दैट्स फॉर श्योर. सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. देख परेशान हूँ यार, खांसी से ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर फिर भी. सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और जानते हो तुम्हारा भाई अंडरग्राउंड पे रिएक्ट करता ही रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट करो. तो मिलते हैं अगले रिएक्शन पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम.